दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय दिल्ली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी बोर्डिंग स्कूल पालमपुर। केसीसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए भीम यूपीआई की सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। ये बात केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा प्रदेश सरकार के पेंशन भोगियों के लिए शुरू किए गए नए पेंशन उत्पाद स्वधन ई पेंशन जीओवी की भी मुख्यमंत्री द्वारा विधिवत शुरुआत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों की बात की जाए तो पहले ही दिन करीब करीब 2500 ट्रांजैक्शन भीम यूपीआई के द्वारा की गई, जो कि अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब एक दिन की हमारी एवरेज यूपीआई भीम ट्रांजैक्शन 7410 के करीब हो गई है। पिछले कुछ समय से आप सभी के मन में जो सबसे बड़ा सवाल था, आज उसी सवाल के लिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है। जी हाँ, कांगड़ा बैंक का कब अपनी भीम यूपीआई सेवा शुरुआत करेगा, आप लोगों का प्रश्न रहता था, लोगों का रहता था। शायद मेरी पहली प्रेस वार्ता में सबसे बड़ा सवाल यही था। 1 मार्च 2023 को प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कांगड़ा बैंक की भीम यूपीआई सेवाओं की विधिवत शुरुआत के साथ बैंक के सामान्य ग्राहकों को हमारी भीम यूपीआई सेवा के उपलब्ध हो गई है। इसके साथ बैंक द्वारा प्रदेश सरकार के पेंशन भोगियों को शुरू किए गए नए पेंशन उत्पाद स्वधन पेंशन गोव जीओवी की भी सम्मानीय मुख्यमंत्री द्वारा विधिवत शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री महोदय ने बैंक के इन दिनों दोनों उपलब्धियों को अपनी खुशी जाते हुए बैंक की मेरी टीम को अपनी शुभकामनाएं देते हुए हिदायत भी दी है कि इन नई योजनाओं के माध्यम से बैंक अधिक से अधिक युवा वर्ग और प्रदेश में वेतन और पेंशन भोगी लोगों के लिए अपने साथ जोड़कर अपने व्यवसाय का बढ़ावा करें। माननीय मुख्यमंत्री के इस संदेश से खास तौर पर अपने दिल की इच्छा प्रकट किया है। मैं कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनाने का सपना देखते हैं, जिसके लिए उन्होंने बैंक के को प्रदेश सरकार की हर तरफ की सहायता का आश्वासन दिया है। अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो 1 मार्च को भीम यूपीआई की शुरुआत शाम 5 बजे हुई है, करीब शिमला में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। उसके बाद पहले ही दिन करीब करीब 2500 ट्रांजेक्शन भीम यूपीआई द्वारा की गई है, जो कि अब लगातार बढ़ती रही है। और अब एक दिन में हमारी एवरेज यूपीआई भीम ट्रांजेक्शन 7410 के करीब पहुंच गई। जहां तक बैंक के नए पेंशन प्रोडक्ट की बात है तो इस पेंशन प्रोडक्ट को तहत बैंक की शाखाओं को पेंशन लेने वाले ग्राहकों को भी हमारी ई सैलरी प्रोडक्ट की तरह बैंकिंग सुविधाएं फ्री रहेंगी और साथ में 10 लाख का दुर्घटना बीमा व लॉकर किराए का 25% के विशेष डिस्काउंट की पेंशन खाता धारकों को सुविधा मिलेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री विशेष दहाई दी थी कि बैंक के युवा वर्ग और पेंशन वेतन भोगी को और लोगों को अपने साथ अधिक से अधिक जोड़ें, तो उसके लिए आने वाले दिनों में विशेष बैंक अभियान चलाने का विचार किया जाएगा। हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से विनोद के साथ नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी बोर्डिंग स्कूल पालमपुर बच्चों के लिए बम्पर ऑफर के तहत एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। इस संस्थान में नर्सरी से जमा 2 तक की कक्षाओं के लिए एडमिशन शुरू हो गई है। लिमिटेड सीट्स रखी गई हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल पालमपुर ने हिमाचल में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कड़ा प्रण लिया है। हर बच्चे में कुछ खासियत है और काबिलियत होती है, इसी के तहत बच्चों की पढ़ाई स्कूल में करवाई जाती है। दिल्ली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन चार्जेस एनुअल चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, जबकि बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए 50% का डिस्काउंट दिया जाता है। इसी तरह अनाथ व शहीदों के बच्चों को स्कूल में शिक्षा मुफ्त दी जाती है। इस बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले बच्चों से मात्र साल के 1.5 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे, जिसमें ट्यूशन फीस सहित रहना व खाना भी शामिल होगा। बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को एनडीए की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त सेना में कार्यरत अभिभावकों के बच्चों को 10% की छूट दी जाएगी।